नमस्कार, मैं आरती सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। पूजा सिंघल मामले में हर दिन नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। ईडी ने एप्पल कंपनी के भारतीय निदेशक से पूजा सिंघल के फोन के फेस टाइम की मांग की है। वहीं व्हाट्सएप से भी जानकारियां साझा करने की मांग की गई है। इधर मनरेगा और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आईएएस पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह की रिमांड अवधि आज पूरी हो रही है। आज दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी फिर से पूजा सिंघल के लिए 9 दिन तो सुमन की 5 दिन की रिमांड की मांग करेगा। और इससे पहले ईडी की विशेष अदालत ने पूजा सिंघल के लिए 5 दिनों के लिए रिमांड पर लेकर पूछताछ की अनुमति दी थी, तो वहीं सुमन सिंह को 2 बार रिमांड पर लिया जा चुका है। दोनों से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। इनसे जुड़े लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। आईएएस सिंघल की गिरफ्तारी के बाद उनके व्हाट्सएप चैट से सरकारी विभाग के अधिकारियों, खनन विभाग के अधिकारियों और बिल्डर्स का विवरण खंगालना शुरू कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो इन 3 बिंदुओं पर ईडी गंभीरतापूर्वक जांच कर रही है। इनसे एजेंसी को लिंक मिले हैं। ईडी ने पल्स हॉस्पिटल मामले में शहर के कई राज्य के कई बिल्डर से पूछताछ की है और निवेश को लेकर भी जानकारियां हासिल की है। साथ ही अब सरकार विभागों में सिंघल के साथ कनेक्शन रखने वाले अधिकारियों से भी पूछताछ का मन बना रही है। सूत्रों के अनुसार जल्द ही वैसे अधिकारियों और कर्मियों की लिस्ट बनाई जाएगी जो कथित तौर पर सिंघल के करीबियों में गिने जाते रहे हैं। आज ईडी ने जिला खनन पदाधिकारियों को पूछताछ के लिए तलब किया है। इन अधिकारियों में दुमका के डीएमओ कृष्ण कुमार किस्कू और पाकुड़ के जिला खनन पदाधिकारी और पलामू डीएमओ आनंद कुमार शामिल हैं। इनसे ईडी कार्यालय में पूछताछ हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान कुछ लोगों ने ईडी को खनन क्षेत्र में गड़बड़ी और इससे होने वाली आमदनी की लिखित शिकायत की थी, जिसके बाद अब 3 जिलों के खनन पदाधिकारियों से आज पूछताछ चल रही है। दुमका पाकुड़ के डीएमओ से पूछताछ, 3 जिलों के खनन पदाधिकारियों को ईडी ने तलब किया है। दुमका पाकुड़ के डीएमओ से ईडी कार्यालय में पूछताछ चल रही है और ऐसी जांच के दौरान गड़बड़ी की शिकायत मिली थी ईडी को खनन क्षेत्र के पदाधिकारियों से। इसी सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। फिलहाल दुमका और पाकुड़ के डीएमओ से ईडी कार्यालय में पूछताछ चल रही है। अब इन सभी कनेक्शंस को खंगालने में जुटी है ईडी की टीम। और देखिए, एक तरफ जहां पूजा सिंघल, अभिषेक झा और सीए सुमन सिंह से पूछताछ के बाद कई राज सामने आए, उसके बाद अभी भी सीए सुमन सिंह और पूजा सिंघल से पूछताछ चल रही है। आज देखिए, दोनों की रिमांड अवधि भी खत्म हो रही है। पूजा सिंघल के 5 दिनों की रिमांड और सीए सुमन सिंह के 9 दिनों की रिमांड आज खत्म हो रही है। आज उन्हें कोर्ट में भी पेश किया जाना है और ईडी रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग करने वाला है। लेकिन इन सब के बीच खनन क्षेत्र के पदाधिकारियों से भी पूछताछ, देखिए 3 जिलों के डीएमओ से पूछताछ की बात कही गई थी, जिनमें दुमका और पाकुड़ के डीएमओ से फिलहाल ईडी कार्यालय में पूछताछ चल रही है। और ये लिंक, ये कनेक्शन खंगालने की कोशिश की जा रही है। और ये जो गड़बड़ियों की शिकायत मिली, आमदनी जो सोर्स ऑफ इनकम है उसे लेकर जो शिकायतें मिली, उनकी जांच करने की कोशिश, उनकी जांच में लगी हुई है ईडी और तमाम एंगल से ये छानबीन चल रही है। हमारे साथ सहयोगी दीपक उराव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए ये कोशिशें चल रही हैं, पहले जहां पर पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह से लगातार पूछताछ चल रही है, अब आज से 3 जिलों के डीएमओ से भी पूछताछ शुरू की गई। फिलहाल दुमका और पाकुड़ के डीएमओ से ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है। एक कोशिश है कि जो भी लिंक, जो भी कनेक्शन मिल रहे हैं उन्हें खंगाला जाए और जो भी पर्दे के पीछे है उन सच को बाहर निकाला जाए। बिल्कुल आरती, डे वन से ही लगातार ईडी के द्वारा दबिश बनाई जा रही है और जिस तरह से पूजा सिंघल और उनके करीबियों के अलग अलग ठिकानों पर लगातार छापेमारी की गई, 2 दिन के छापेमारी में कई दस्तावेज ईडी को हाथ लगे हैं, उसी के आधार पर लगातार पूछताछ की जा रही है। पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार का आज
रिमांड अवधि आज खत्म होने वाला है, लिहाजा आज रिमांड पिटीशन दे करके फिर से उन्हें रिमांड बढ़ाने की मांग की जा सकती है, ऐसा संभावना जताई जा रही है। तो हो सकता है कि सेकेंड हाफ यानी कि 2 बजे के बाद कभी भी ईडी की टीम सुमन सीए सुमन कुमार सिंह को और पूजा सिंघल को कोर्ट लाया जाएगा, और जो आवासीय कार्यालय है ईडी का कोर्ट का आवासीय कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा, उसके बाद रिमांड पिटीशन देकर के रिमांड बढ़ाने की मांग की जा सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। जिस तरह से ये ईडी की लगातार कार्रवाई की गई है, इसमें कई नाम धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि एक लंबी लिस्ट इसमें देखने को मिलेगा जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, संलिप्तता जिनकी जिनकी रही है। आज ही कई जिला पदाधिकारी जो खनन विभाग के पदाधिकारी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, और जिस तरह से पूजा सिंघल के जो मोबाइल और कुछ डायरी हाथ लगा है ईडी को, और उसके आधार पर लगातार पूछताछ की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि किन किन लोगों के सिंडिकेट से इस तरह का भ्रष्टाचार राज्य में किया गया है, चाहे वो मनरेगा का घोटाला हो या फिर जिस तरह से ये पल्स अस्पताल का निर्माण कराया गया है जिसमें एक बड़ी रकम की खर्च लागत से बनाया गया है। तो इस तरह के जितने भी मामले हैं उसको एक कड़ी बाई कड़ी जोड़ा जा रहा है, और यही वजह है कि ईडी चाहता है कि इन लोगों की रिमांड बढ़ा करके फिर से और भी आगे पूछताछ की जाएगी, तो कुछ और भी खुलासे हो सकते हैं, इसमें कुछ सफेदपोश भी शामिल हो सकते हैं जिनका नाम का खुलासा आने वाले समय में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी भी इसमें कहीं ना कहीं भागीदारी देखने को मिल सकती है। इन तमाम कड़ियों को जोड़ने के लिए ईडी के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, और आने वाले समय में जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हो रही है और पूछताछ में और भी से हो सकते हैं। जी बिल्कुल दीपक, और देखिए यही इससे पूछताछ के जरिए ये भी एक कोशिश है कि अगर आज रिमांड अवधि और बढ़ाई जाती है तो एक और मौका मिलेगा पूछताछ के लिए, जो सवाल और पूछे जाने हैं, जो लिंक अब तलाशे जा रहे हैं खनन पदाधिकारियों से, जो पूछताछ चल रही है और बाकी जो कनेक्शन सामने आए हैं, अगर रिमांड अवधि बढ़ती है तो कई और सवालों के जवाब मिल पाएंगे। जी बिल्कुल आरती, जिस तरह से ईडी के द्वारा कार्रवाई की गई है और एक दस्तावेज एक लंबी लिस्ट का दस्तावेज कहीं ना कहीं हाथ लगा है, और जिस तरह से 1,43,00,000 रुपया का भी बात सामने आया है, आय से अधिक संपत्ति पूजा सिंघल का उनका मामला सामने आया है, तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के तहत उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है जिसके तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो जिस तरह से दस्तावेज हाथ लगा है उसी के आधार पर ईडी आगे बढ़ रही है, और इसमें जिन जिन लोगों की संलिप्तता है उन तक पहुंचने की हर संभव कोशिश ईडी के द्वारा की जा रही है। खनन लीज का मामला हो, चाहे मनरेगा घोटाला का मामला हो, इन तमाम चीज़ों को जोड़ा जा रहा है, और जिस तरह से सीए से पिछले दिनों पूछताछ की गई थी उसमें यह बात का खुलासा हुआ है कि जो राशि उनके दफ्तर से उनके कार्यालय से जो बरामद हुई है 19,31,00,000 रुपया, वो राशि में सर्वाधिक राशि कहीं ना कहीं पूजा सिंघल की राशि है, जिन्होंने जो बातें सीए के द्वारा बताया गया है ईडी को। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो कड़ी जुटाने की कोशिश कर रही है ईडी के द्वारा, तो वो कड़ी आने वाले समय में और भी आगे बढ़ सकती है और कई लोगों का नाम भी सामने आने की संभावना जताई जा रही है। जी चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखिए और भी अपडेट्स लेंगे आपसे। तो देखिए अब ईडी दफ्तर में दुमका और पाकुड़ के डीएमओ से पूछताछ चल रही है। आपको बताएं कि आज खत्म हो रही है पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह के रिमांड अवधि, तो रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग करेगा ईडी, कोर्ट में पेश किया जाना है आज इन दोनों को। ये तमाम अपडेट्स लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। वहीं एक बार फिर डॉक्टर्स की टीम ईडी दफ्तर पहुंची, जहां पूजा सिंघल और सुमन सिंह का रूटीन चेकअप किया गया। सदर अस्पताल के डॉक्टर लक्ष्मीकांत सहाय ने बताया कि पूजा सिंघल का ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है, साथ ही सुमन कुमार का ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, जिसमें पूजा सिंघल के बीपी 90/70 और सुमन कुमार का 130/90 है। ऑक्सीजन सैचुरेशन पल्स नॉर्मल है, वो नॉर्मल है, उनका कोई दिक्कत नहीं है। सुमन कुमार जी का ब्लड प्रेशर थोड़ा कम है, जैसे 90/70 है, बाकी सब नॉर्मल है, पल्स और ऑक्सीजन सिचुएशन नॉर्मल है। और ये ब्लड शुगर वगैरह कैसा? ब्लड शुगर नहीं किए हैं, नहीं किया है। और किन्हीं का सर मेडिकल टेस्ट हुआ है? नहीं, और किसी का नहीं, सिर्फ यही दो लोगों, यही दोनों। पूजा सिंघल मैडम पूरी स्वस्थ है? हाँ स्वस्थ है, थोड़ा सा उनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है, पर वो स्वस्थ है अभी।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।